बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? हम सब खैरियत से होंगे जी। आज के जो हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है कंप्यूटर प्रोसेसिंग लेसन CS001 मॉड्यूल नंबर 4 लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10। हम MS एक्सेल 10 को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह उसको इंस्टॉल कर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके जी। इस कोर्स में हम लेक्चर नंबर 1 एक्सेल को ही क्यों करने लगे हैं, बिकॉज हमारा मॉड्यूल नंबर 4 जो है उसमें जो है हमारे पास एक्सेल से स्टार्ट होता है। यानी कि फर्स्ट 3 मॉड्यूल जो थे उनमें हमने मिड टर्म दिया था, अब हमने फाइनल टर्म की तैयारी करनी है। तो फाइनल टर्म के लिए हम लेक्चर नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 4 जो है हम ये सारा कुछ देखेंगे। चलते हैं अपने स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वेबसाइट है गेट इन टू पीसी, मैंने इसको गूगल पे लिखा गेट इन टू पीसी तो मेरे पास एक वेबसाइट आ गई। फर्स्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ तक आ गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको गो के बटन के साथ एक सर्च बॉक्स नजर आ रहा है। इस सर्च बॉक्स में मैंने जाके लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 और गो पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 प्रो प्लस। ठीक है, ये किस डेट को अपलोड हुआ आगे वो लिखा हुआ है, आप लोगों ने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे हैं आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। अब आप नीचे आएंगे हाउ टू इंस्टॉल दिस, एक ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, तो आप लोग इसने डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया, आप डाउनलोड और इस पासवर्ड को अपने पास नोट कर लेना है, नीचे पासवर्ड 123 लिखा हुआ है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह नजर आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो ये देखें। ये मेरे पास ठीक है, इस तरह नजर आएगा। अब जिप फॉर्म में जो फाइल होती है या आप समझने के 7 जिप में फाइल होती है उसको ओपन करने के लिए हमारे पास रार सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है। अब ये कहाँ से डाउनलोड होगा, आप ये भी नेट से डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। रार लिखा मैंने, ये फर्स्ट पे आ गया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसको ओपन करने के लिए हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देना है। तो जब ये ओपन हो जाएगी तो आपने इस पे डबल क्लिक करना है। फोल्डर ओपन हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखे सेटअप डॉट exe पड़ा हुआ है, एक फाइल पड़ी हुई है एप्लीकेशन फाइल जिसे कहते हैं हम, इस पे आप लोगों ने डबल क्लिक कर लेना है। इसको हम यस करेंगे, यस करने के बाद ये वाला ऑप्शन हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, एक न्यू इंटरफेस जिस पे हमें वो कुछ फाइल को सिलेक्ट करने का कहेगा। एग्रीमेंट को यस किया हमने, कंटिन्यू पे क्लिक किया, इंस्टॉल नो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, वेट करने के बाद जैसे कंप्लीट होगा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जी दोस्तों, इस तरह हमारे पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंटरफेस को डिस्कस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।